जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी का। दोस्तों, ये हमारा 23वां हिंदी का सुपर टेस्ट है। इसमें हम 25 क्वेश्चन कराएंगे। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देना है। दोस्तों, ये हमारा टेस्ट UP++ पेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी के सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर एक की बात करते हैं। गढ़ का पति दोस्तों क्या जाएगा? गणपति। यह कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीय समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। दोस्तों सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, दोस्तों गढ़ का पति, तो यहाँ पे जो का जो है हमारा का कारक चिन्ह होता है कौन सा? दोस्तों का जो हमारा आता है संबंध, इसमें संबंध तत्पुरुष में आता है। ठीक है दोस्तों, संबंध तत्पुरुष। और दोस्तों संबंध जो तत्पुरुष होता है वह हमारा किसके अंतर्गत आता है, उसकी अगर बात करते हैं वह हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या हो जाएगा दोस्तों? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। द्वंद्व समास की अगर बात करते हैं, इसमें दोस्तों हमारा क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान, इसमें दोस्तों क्या होंगे, हमारे दोनों पद कैसे होंगे? प्रधान होंगे। अव्ययभाव की बात करते हैं, इसमें दोस्तों हमारा क्या आता है, पहला पद हमारा क्या आता है? अव्यय होता है। पहला पद जो हमारा क्या होगा? अव्यय होगा। बात करते हैं बहुव्रीय में, इसमें दोस्तों हमारे क्या होते हैं? दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद दोस्तों हमारे क्या आ जाएंगे? इसमें अप्रधान होंगे। इतनी बात क्लियर होगा? किसी कोई तीसरा पद जो होगा वही हमारा प्रधान होगा। कौन सा दोस्तों? तीसरा पद जिसके बारे में बात की जा रही है वह हमारा क्या होगा? प्रधान। इसमें भी दोस्त तत्पुरुष की बात करते हैं, इसमें दोस्तों हमारा क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रधान। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दो हमारा कहता है, क्या कहता है? क्षमा का अर्थ माफी होता है और क्षमा का अन्य अर्थ देश होता है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी जोड़, ऑप्शन नंबर बी बादल, ऑप्शन नंबर डी अमृत। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षमा का दोस्तों एक अर्थ तो पता है, माफी होता है, माफी मांगना। दोस्तों दूसरा क्या होता है? देखिए दोस्तों, एक अर्थ की अगर बात करते हैं तो भाई दोस्तों हमारा माफी होते हैं, और क्षमा का ही दोस्तों दूसरा अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। राजा, दोस्तों राजा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अवनीश, ऑप्शन नंबर बी रंग, ऑप्शन नंबर सी रानी, ऑप्शन नंबर डी राम। दोस्तों क्या हो जाएगा राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर राजा की बात करते हैं तो राजा के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो राजा का पर्याय दोस्तों क्या हो जाएगा? अवनीश हो जाएगा। क्या दोस्तों? अवनीश होगा। इतनी बात क्लियर? क्या हो जाएगा? अवनीश। रानी की बात करते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा राजा। अगर बात करते हैं रंक, क्या दोस्तों? रंक, तो रंक जो क्या हो जाएगा? राजा का विलोम शब्द हो जाएगा। यहाँ पे पर्याय हो जाएगा तो अवनिश जो होगा ये राजा का पर्यायवाची होगा। तो कहने का मतलब इसका अर्थ क्या निकलेगा ये जान लेते हैं। इसका दोस्तों अर्थ निकलेगा अवनी। दोस्तों अवनी की अगर बात करते हैं तो अवनी किसे कहते हैं? अवनी का मतलब होता है धरती। तो दोस्तों अवनी क्या है? अवनी या दोस्तों धरती, धरती का स्वामी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में शुद्ध वर्तनी पहचानी है। ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी अंत्याक्षरी, ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर सी भगीरथी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों लीलायित। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी,
शुद्ध रूप की, तो शुद्ध रूप हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इसका आंसर देना है। देखिए दोस्तों, आवश्यकता शुद्ध रूप की बात की जा रही है, तो अंत्याक्षरी है ये हमारा बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। भागीरथी होता दोस्तों, यहाँ पे डंडा लग जाएगा, भागीरथी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या, आवश्यकता, आवश्यकता, तो यहाँ पे भी डंडा लगेगा दोस्तों, यही तो शुद्ध बिल्कुल रूप की बात करते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल शुद्ध रूप है, ऑप्शन नंबर वी। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, बात करते हैं किसका, करुणा, करुणा कादम्बिनी रचना के रचनाकार का नाम चुनिए, ऑप्शन नंबर ए अंबिका दत्त वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी गया प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर विनय। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग राइट आंसर करें। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं करुणा, करुणा कादम्बिनी, करुणा कादम्बिनी की अगर रचनाकार की बात करते हैं तो दोस्तों कौन हो जाएंगे, गया, गया प्रसाद शुक्ल हो जाएंगे दोस्तों। इसका प्रकाशन वर्ष कब हो जाता है, तो इसकी बात करते हैं तो दोस्तों कभी ये प्रकाशित हुई थी 1958 में, इतनी बात क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में विराम चिन्ह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर डी अवतरण विराम। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विराम, विराम चिन्ह नहीं है, ये आपको बताना। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रश्नवाचक, किसकी दोस्तों, प्रश्नवाचक की बात करते हैं, तो ये हमारा विराम चिन्ह हो जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर की बात करते हैं, तो 6 का हमारा क्या, जो अवतरण, अवतरण विराम है, ये दोस्तों हमारा विराम चिन्ह नहीं है। पूर्ण विराम की बात करते हैं, पूर्ण विराम हो जाएगा। विस्मयादिबोधक की बात करते हैं, ये हमारा विस्मयादिबोधक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, देव्यर्थ, देव्यर्थ का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर ए देवी प्लस अर्थ, ऑप्शन नंबर बी देव धन अर्थ, ऑप्शन नंबर सी देव धन व्यर्थ, ऑप्शन नंबर डी देव देवी धन व्यर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, और दोस्तों इसमें हमारी संधि कौन सी हो जाएगी, संधि तो दोस्तों सभी को ही पता होगा, इसमें संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे अगर संधि विच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा, देवी, देवी धन अर्थ, और दोस्तों संधि कौन सी हो जाएगी इसमें दोस्तों, हमारी यण संधि हो जाएगी दोस्तों। बताया था जिसमें या और उआ से पहले कोई आधा बाण आए तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आधा व्यंजन आए तो वहाँ पे यण संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी नियम, ऑप्शन नंबर सी विनिमय, ऑप्शन नंबर डी अध्यादेश। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बात किसकी की जा रही है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहेंगे, तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, अधिनियम कहेंगे, अधिनियम, ठीक है दोस्तों। पारित किसके अंतर्गत की जाती है, अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ, ऑप्शन नंबर ए गुस्सा होना, ऑप्शन नंबर बी दुखी होना, ऑप्शन नंबर सी बहुत क्या दोस्तों आनंदित होना, ऑप्शन नंबर डी बीमारी होना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंग अंग फूले ना समाना, तो अंग अंग फूले ना समाना, तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब कोई व्यक्ति प्रतियोगी कोई भी परीक्षा देता है उसमें सफल हो जाता है तो दोस्तों बहुत ही आनंदित होता है, उसी को कहते हैं अंग अंग फूले ना समाना, बहुत आनंदित होना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बात की जा रही अभिराम और अभिराम शब्द युग्म का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए सुंदर लगातार, ऑप्शन नंबर बी लगातार सुंदर, ऑप्शन नंबर सी एकत्र बिना रुके, ऑप्शन नंबर डी बिना रुके एकत्र। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करते हैं, अभिराम और अभिराम का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, अभी, अभी माने दोस्तों क्या होता है, सुंदर होता है, तो अभी मीन्स सुंदर, अभिराम माने सुंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सुंदर, और अभिराम मीन्स माने क्या होता है, लगातार दोस्तों, लगातार यानी कि बिना रुके ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जैनद्रथ वध। दोस्तों जैनद्रथ वध है ऑप्शन नंबर ए महाकाव्य, ऑप्शन नंबर बी खंड काव्य, ऑप्शन नंबर सी गीति काव्य, ऑप्शन नंबर डी प्रगीतिक। तो क्या हो जाएगा जैनद्रथ वध दोस्तों है किसकी, तो दोस्तों ये भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करते हैं तो जैनद्रथ वध पहले जान लेते हैं दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष क्या था, ये इसकी बात करते हैं तो 1910 ईस्वी में ये दोस्तों प्रकाशित हुआ था। इसके दोस्तों अगर हम रचनाकार की बात करते हैं तो इसके रचनाकार दोस्तों कौन हो जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे दोस्तों। मैथिली शरण की शुद्ध वर्तनी भी पूछी जाती है, तो यहाँ पे ये किसकी हो जाती है, मैथिली शरण। अब दोस्तों हम बात करते हैं है क्या, महाकाव्य है या खंड काव्य है या दोस्तों क्या गीति काव्य है या दोस्तों क्या प्रगीत है, तो यह आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं जैनद्रथ वध जो क्या है, ये खंड काव्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न दोस्तों निम्नोक्त में कौन सा वाक्य गलत है, ऑप्शन नंबर ए ओह बड़ा जुल्म हो, ऑप्शन नंबर बी हिंदी के समाचार पत्र हिंदी लिपि में छपते हैं, ऑप्शन नंबर सी साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन नंबर डी अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो इसमें दोस्तों क्या पूछा गया, गलत वाक्य पूछा गया, कौन सा हमारा गलत वाक्य है, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं हमारा गलत कौन सा है, तो जो हमारा है दोस्तों हिंदी के समाचार पत्र, दोस्तों हिंदी के समाचार पत्र हिंदी लिपि में छपते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये गलत है। ठीक है दोस्तों अगर हम बात करते हैं हिंदी के स्थान पर देवनागरी शब्द प्रयुक्त होता दोस्तों क्या, देवनागरी, तो देवनागरी के अंतर्गत बहुत कुछ आता, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कहने का मतलब ये गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, क्या दोस्तों दस कंठ रे सट छाड़ी देह हट बार बार ना बोलिए अब आजू, क्या दोस्तों राज समाज में वल साजू चितना डोलिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोहा, ऑप्शन नंबर बी चौपाई, ऑप्शन नंबर सी सोरठा, ऑप्शन नंबर डी हरिगीतिका, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए दी हुई पंक्तियों में, इन पंक्तियों की अगर बात करते हैं तो इन पंक्तियों में दोस्तों अगर मात्राएं गिनते हैं तो मात्राएं हमारी कितनी हो जाएंगी दोस्तों, ये पंक्ति हमारे किसके अंतर्गत आती है, ये पंक्तियाँ हमारी हरगीतिका के अंतर्गत आती हैं, किसके अंतर्गत हरगीतिका, और इसमें दोस्तों अगर मात्राओं की बात करते हैं तो कितनी हो जाती हैं 28 मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इन मुसलमान दोस्तों हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारी है दोस्तों, यह कथन किसका है, ऑप्शन नंबर ए रश खान का, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद का, ऑप्शन नंबर सी परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसे इन अगर दोस्तों इस कथन की अगर बात करते हैं, ये दोस्तों कथन किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद जी का ये कथन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिमूर्ति शब्द में उपसर्ग है दोस्तों, यहाँ पे उपसर्ग की बात करिए, उपसर्ग क्या होता है जो शब्द के पहले लगता है, पहले उसे ही उपसर्ग कहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है प्रतिमूर्ति में कौन सा हमारा उपसर्ग है, तो प्रतिमूर्ति में अगर उपसर्ग की हम बात करें तो प्रतिमूर्ति में उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए प्रति, ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, निद्रालु शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए लू, ऑप्शन नंबर बी आलू, ऑप्शन नंबर सी द्रालु, ऑप्शन नंबर डी कचालू, तो आप क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर निद्रालु में अगर हम प्रत्यय की बात करते हैं तो निद्रालु में प्रत्यय क्या हो जाएगा, हमारा आलू जो है ये प्रत्यय हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्न पंक्ति में अलंकार पहचानी है, तो दोस्तों क्या है, मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, ऑप्शन नंबर ए रूपक, ऑप्शन नंबर बी श्लेष, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास, ऑप्शन नंबर डी यमक, तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यह आपको बताना है, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कलियां, यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा श्लेष,
इसकी अगर हम बिल्कुल राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, क्या कलियों की बात की, यहाँ कलियाँ शब्द जो हैं दो कलियाँ शब्द हैं जो हमारे दो अर्थ दे रही हैं, ठीक है दोस्तों, फूल का और अविकसित का रूप, ठीक है दोस्तों, यौवन से पूर्व की अवस्था को भी कलियाँ ही कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा दोस्तों, श्लेष अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ वहाँ भीतर और बाहर कौन से क्रिया विशेषण हैं। ऑप्शन नंबर समयवाचक, ऑप्शन नंबर बी स्थितिवाचक, ऑप्शन नंबर सी अवधिवाचक, ऑप्शन नंबर डी दिशावाचक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लोग कहते हैं, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, भीतर आओ, बाहर जाओ, अंदर आओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, ये दोस्तों किसी किसी भी व्यक्ति की क्या स्थिति का बोध कराते हैं ना, स्थिति दर्शाते हैं, किधर है, इधर है, उधर है, ऊपर है, नीचे, बाहर, भीतर, तो स्थिति का बोध कराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा क्या दोस्तों विपरीतार्थक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आदि अनंत, ऑप्शन नंबर बी अतिवृष्टि अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर सी आहुति अनाहुति, ऑप्शन नंबर डी अपमान उपमान। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या बताना है, विपरीत अर्थक शब्द बताना है, विपरीत अर्थक शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमारा बिल्कुल क्या हो जाए, शब्द नहीं है पूछा गया, तो नहीं है याद रखना है आपको दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो अपमान की बात करते हैं, तो अपमान, अपमान का दोस्तों नहीं होगा यहाँ पे। अपमान की बात करें तो अपमान का दोस्तों क्या होता है, सम्मान होता है, अपमान का सम्मान। आहुति का अनुहुति होता है, बिल्कुल सही। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, आदि का अंत होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 8:10 हैं, ऑप्शन नंबर बी 8:10 हैं, ऑप्शन नंबर सी 8:10 हैं, ऑप्शन नंबर डी 8:10 है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों पूछा गया, आपको शुद्ध रूप चयन करना है, तो कौन सा शुद्ध रूप हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 8:00 हो जाएगा, 8:00 को नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, के नहीं होता, 8:00 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाकी हमारे गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों संक्षिप्ति, संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द है, समासीकरण, ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों फलवन, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद लेखन, ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों प्रारूपण। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, संक्षिप्तीकरण की बात करते हैं, तो इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसका विलोम, उसे क्या कहेंगे, पलवन कहेंगे, पलवन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। क्या दोस्तों अखिल, यहाँ पे क्या है, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में, दोस्तों क्या है, लाख मातु चकित भई, दोस्तों क्या गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, इन पंक्तियों की बात करें दोस्तों, इनमें हमारा कौन सा दोस्तों रस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अखिल, यहाँ पे अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लाख मातु चंकित भई दग दग, यानी क्या गदगद गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। तो यहाँ पे दोस्तों किसका भाव हो रहा है, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अखिल, अखिल भुवन, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अजीब लग रहा, अद्भुत लग रहा है, ठीक है दोस्तों, क्या गदगद गदगद वचन विकसित दृग दृग, तो इन वचनों से दोस्तों आप लोगों को नहीं लग रहा है, यहाँ पे अद्भुत रस है, तो अद्भुत रस हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, उल्लेख, उल्लेख अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए मौसम कौन कुटिल खलकामी, ऑप्शन नंबर बी तापस वाला सी गंगा कुल कुल, ऑप्शन नंबर सी चरण कमल बंधव हरिराय, ऑप्शन नंबर डी नवल सुंदर श्याम शरीर।
तो यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों उल्लेख, उल्लेख अलंकार का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे अगर उल्लेख अलंकार की बात करते हैं, नवल, यहाँ पे बात की जाए नवल सुंदर श्याम शरीर, दोस्तों इन पंक्तियों में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्लेख अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। सुधा ने खाना बनाया, इस वाक्य में काल है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भूतकाल। क्या दोस्तों, सुधा, सुधा ने खाना क्या किया दोस्तों, बनाया। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कैसा लग रहा है, सुधा ने खाना बनाया, तो यहाँ पे दोस्तों अजीब नहीं लग, सामान्य भूतकाल की बात की, क्योंकि खाना बनाया बनाया था दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। आप का अर्थ नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए सूर्य, ऑप्शन नंबर बी चमक, ऑप्शन नंबर सी इज्जत, ऑप्शन नंबर डी शोभा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। तो आपका क्या अर्थ नहीं होता दोस्तों, आपके अर्थ की बात करते हैं, चमक भी होता है, इज्जत भी होता है, शोभा भी होता है। दोस्तों सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य आव का अर्थ नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जिस दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों हम आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों हिंदी के बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।